हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे डू दे स्टिल मिस यू। आपके पर्सन क्या आपको आज भी याद करते हैं? अब आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, आप दोनों का रिश्ता कैसा चल रहा है, रिगार्डलेस क्या पोजिशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, फोकस ऑन योर पर्सन, क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर पर्सन एंड थिंक। पूछिए ये सवाल कि क्या वो आपको आज भी मिस करते हैं, आप लोग कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, एक्स बन गए हैं, करंट पार्टनर हैं, फियांसे हैं, लवर्स हैं, जो भी है आप लोगों का रिश्ता। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर पर्सन एंड आस्क कि क्या आज भी वो आपको मिस करते हैं। हेडेक एंड लॉस, हार्ट एक एंड लॉस, सॉरी हेडेक क्यों कहा मैंने, सर का दर्द हो रहा है किसी को। नंबर 3, इमोशनल विड्रॉल। नंबर 8, 3 ऑफ कप्स, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। डू दे स्टिल मिस यू, क्या वो आज भी आपको मिस करते हैं। न्यू बिगिनिंग, ऑफ कोर्स। सबसे पहली चीज़ जो आपको सोच के उनके ख्याल आता है ना, वो ये कि आप एक पेन है जो आप अपने साथ एक कैरी करते हैं। यू बोथ आर नॉट टुगेदर, इट्स वेरी क्लियर विद दिस हार्ट एक एंड लॉस। यही बात इतनी ज़्यादा तकलीफ दे है उनके लिए, दैट यू बोथ आर नॉट टुगेदर, आप दोनों साथ ही नहीं हैं। दिल दुखता है, दिल में तकलीफ़ उठती है, आपका ख्याल आता है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगते हैं, ऐसा होता तो वैसा होता, मैं ये करता, मैं वो करती, ये होता, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों की ख्वाहिशात जो है ना, उस नुकसान पर, उस ज़िया पर चली जाती हैं जो आप दोनों के दरमियान हुआ हुआ है, और फिर जो याद है वो तकलीफ़ में बदल जाती है। इतना ज़्यादा अपने आप को गिल्ट में रखना, अपने आप को कोसने वाली हालत, और ये सोचना कि अब मैं कुछ भी कर लूँ, हासिल उसूल कुछ भी नहीं है, वो नहीं है तो कोई भी नहीं है, बातें हैं तो यादें हैं, यादें हैं तो साथ नहीं है। बहुत ही तकलीफ दे कैफियत। हर तरह की एक्टिविटी करते हैं, दोस्तों में उठना बैठना, टाइम किल करना, हल्ला गुल्ला करना, सब कुछ करना, बट वापस वहीं घूम फिर कर आ जाना कि वो नहीं है, उसकी याद है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, अपनी लाइफ में वो मगन है, मैं अपनी लाइफ में मगन हूँ, क्या करूँ, फ्रेंड जोन कर लूँ, फ्रेंड्स भी नहीं बन सकते क्योंकि रिश्ता ऐसा है, समथिंग लाइक दैट। दे थिंक कि आपकी लाइफ एक नए, आप एक मॉडिफाइड फॉर्म में, इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में एक नई दुनिया में एंटर हो चुके हैं। आपको अब अपनी तरफ बुलाना, आपको अपनी तरफ माइल करवाना, आपको याद करके, मैनिफेस्ट करके पुल करना, अब यू आर टू फार, आप एक दुनिया के किसी और ही खत्ते पे, किसी और ही कोने में जा चुके हैं। आपने नए सिरे से अपनी दुनिया बनाई है, नए सिरे से अपना स्टेटस बनाया है, तो उनकी ख्वाहिशात तो बहुत हैं, उनकी चाह तो बहुत है, लेकिन वो सिर्फ याद करने की हद तक ही है, और याद करने के बाद जो एक परसेप्शन माइंड में बन गया है, उसमें उनकी हिम्मत नहीं हो पाती, बिकॉज ज़ाहरी बात है, याद करने पर कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने पर बात करें, बात करने पर ज़रूरी तो नहीं है ना कि फ़ौरन ही लवी डवी बातें ही हो, इंसान शिकवे शिकायत भी करता है, और इनकी ख़ुद की भी स्टेट ऐसी नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी ज़िंदगी के मामलात हैं जिसकी वजह से
जज्बात हर जगह से खोते हुए ही नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ जो है ना छुटती भी नज़र आ रही है, टूटती भी नज़र आ रही है। प्लीज़ गिव मी मोर कार्ड्स, डू दे स्टिल मिस यू, क्या वो आपको आज भी मिस करते हैं? डू दे स्टिल मिस यू, रेस्ट एंड रिजुविनेट, नंबर 4, बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं इस तकलीफ़ को, ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे तो इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, हाँ ठीक है ये टाइम मेरा ही है, हाँ मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, हाँ ये वो वक्त हो रहा है जब इसको भी वही तकलीफ़ हुई थी, तो अब मुझे भी ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी। विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट, अपने आप को फॉर्म में लाना, फिट करना, कॉन्टेम्पलेट करना, 10 तरह की चीज़ों में लाना, वॉक पे चले जाना, ब्रिस्क वॉक करना, फ्रस्ट्रेशन निकले, इस तरह की चीज़ें, बट घूम फिर कर जब आपकी याद आए तो उसी तरीके से तकलीफ़ महसूस करना जो अनबेरेबल है, लिटरली अनबेरेबल है। मूविंग ऑन, सी बहुत ज़्यादा रिजिस्ट करते हैं ये अपनी लाइफ में ब्राइटनेस लाने की, अपने आप को उस मकाम पे ले जाने की कि चलो बस हो गया, लेकिन आपकी यादें इनका चुंगल नहीं छोड़ती, ये बार बार अपने आप, और कभी कभार तो ये एक पेनफुल फेज़ में रहना भी इनको अच्छा लगता है कि याद है तो आस है वाली बात, कि चाहे कितना इमोशनल लॉस क्यों ना हो मेरे पास इसकी यादें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका इसके साथ बिल्कुल ब्रेकअप हो गया हो, आप किसी ऐसे पर्सन का पूछ रहे होंगे जो आपकी लाइफ में एक नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप ये भी डिक्लेयर और क्लेम नहीं कर सकते कि आप दोनों साथ में हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन आज भी आपको मिस करते हैं। ये रीडिंग आप जिस इंसान के लिए देख रहे हैं, उस पर्सन के लिए आप एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हैं। आप क्या थे उसकी ज़िंदगी में और क्या अभी हैं, शायद उसको अभी ही अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है? 3 of Cups, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन क्यों आया है? फाउंडेड एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इस पर्सन को बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हम फैमिली हो सकते थे, और मैंने इसको फ्रेंड जोन या सिर्फ एक तफरी के लिए नहीं रखा होता तो आज ये वाला फेज़ होता, या ये पर्सन आपको ये सोच के अब ज़्यादा और ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि शी और ही इज़ मोर सेटल्ड, उसकी लाइफ सेटल्ड है, जैसे मैंने कहा ना आपने अपनी ज़िंदगी बना ली है। तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने जिस भी तरह से आपको ट्रीट किया गया इस रिश्ते में, उसके बावजूद आपने जिस तरीके से भी इस रिश्ते को कैरी किया, जितने अरसे तक भी आप लोगों का बॉन्ड रहा, उसके बाद अब जब ये पर्सन आपको मिस करता है इस नौयत से कि आपको अपनी लाइफ में वापस ले ले, आपको दोबारा से उस फेज़ में ले आए कि कम से कम हम दोस्तों ही की तरह एक दूसरे के साथ रहें ताकि मिलना जुलना बातचीत होती रहे, तो ये वाला फेज़ जो ना एक बैरियर बनता है कि नहीं, समथिंग यू नो, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। आपने थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना ऐसा कर दिया है कि ये पर्सन आपको याद तो करते हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन डरते हैं आपसे, बिकॉज़ अब आप मद्द मुकाबिल होने की नौयत से ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं। बहुत ज़्यादा आपकी बाउंड्रीज हाई हो गई हैं, और ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था ना कि वो जो जिस सिचुएशन में आप दोनों के साथ ये सब कुछ हुआ होगा, ये फेज़ ये कहते हैं कि मुझे ये पेन बेयर करना होगा, सफरिंग इन साइलेंस, तो दे डू मिस यू एंड दे मिस दैट पेन टू। मिस करने से ज़्यादा समझ लीजिए वो फील कर सकते हैं वो पेन जब आप इस फेज से गुजर रहे थे, तो लेकिन वो आपके सामने इस बात को बोलेंगे इस वजह से नहीं, वरना कच्ची हो जाएगी, लेकिन याद करते हैं। अब ना जैसे कहते हैं टेबल का रुख मुड़ गया है, टर्न द टेबल्स वाली बात, पहले आप चेजर थे, रनर थे, हर वक्त अवेलेबल थे पार्टी पुटिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए, और अब जब एक दौर हो गया, एक न्यू बिगनिंग ज़िंदगी में आ गई, सब कुछ बदल गया, तो अब ये फेज़ पलट गया है, अब आपके पर्सन आप वाले फेज़ में चले गए और आप इन वाले फेज़ में आ गए, तो इनको लग रहा है कि जैसे आप ये
डिलेबरेट इग्नोरेंस कर रहे हैं, तो उनको याद आती है, डेफिनेटली आती है, ठीक है। अकल ठिकाने आ गई है क्राउन चक्रा से, ठीक है। लेट सी के डू दे स्टिल मिस यू एंड इट इज़ अ बिग येस हियर, तो उनकी किस तरह की कैफियत है। यहाँ से तो पता चल गया कि आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, तो ज़रा कैफियत जानते हैं कि अगर मिस करते हैं तो किस कैफियत से दो चार हो रहे हैं। करेज, हिम्मत, कंपीट करना मुश्किल है। हिम्मत करते तो रोज़ हैं लेकिन आपसे कंपीट करना मुश्किल है। विक्टम कॉन्शियसनेस, कभी आपसे इनकी बात होती होगी ना तो ये आपको कोई ना कोई ताना मार देते होंगे कि मैं इस पोजीशन में आज इस वजह से हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ ये किया। बड़ा गंदा डसाया आपको इन्होंने, इनर चाइल्ड इनोसेंस से खेला है आपकी, एंड दे नो इट वेरी वेल कि ये मेरे ट्रैप में आ गई थी, आ गया था, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ टच्ड योर सोल एंड आपने लिटरली इनको सोलमेट फील कराया है। फील क्या कराया है, आप थे ही शायद सोलमेट, जिसकी वजह से ये आपकी इनोसेंस को आज भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि प्योरिटी थी, सेल्फ लव। आपका चेंज होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दे वॉन्ट यू टू बी इन द सेम वे जैसे आप पहले थे। आप अपनी फिक्र ना करें, इनकी फिक्र करें, इनको ये वो वाली चीज़ें, जैसे आपने ये चीज़ स्टार्ट की है तो इनको इरिटेशन हो रही है। हाउ टीचेबल यू आर, लेसन लर्नड, यस। आपको किसी एक इंस्ट्रूमेंट से बड़ा प्यार होगा, आपको एक इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा चलाते हो, या तो वायलिन है, हो सकता है वायलिन ही बजाते हो, या कोई ख़ास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, या कोई म्यूज़िकल क्लासिकल रिदम जो होता है ना, जो टाइप ऑफ म्यूज़िक होता है वो कोई ख़ास आपको है। ये जो पर्सन है जो आपको मिस करते हैं ना, अपने हाथों अपने रिश्ते को, अपनी अपने इस फेस को, अपने अपने पार्टनर को सेल्फ सेबोटाज फीलिंग है। खुद ही अपने हाथों से अपने इस रिश्ते को ख़राब किया, खुद ही अपने आप को तकलीफ़ दी, खुद ही सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, और होता तो बहुत डिफरेंट भी हो सकता था। तो इनकी कैफियत कुछ ऐसी होती है कि हाँ चलो दो अपने आप को तकलीफ़, अब तो करो बर्दाश्त, अब क्या किया जा सकता है, खुद ही तो अपना काम बिगाड़ा है, होता तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसे यहाँ पर ये कार्ड आया था, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, बिकॉज बहुत कुछ हल्ले गुल्ले में तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद जब से सब कुछ निकल गया हाथ से तो इनको ये फील होता है कि यस आई हैव सेल्फ सेबोटाज्ड माय रिलेशनशिप। तो यस इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग यस फॉर यू कि आपके पर्सन आपको आज भी मिस करते हैं, और मिस करने में आपके पर्सन की जो कैफियत है वो आपको सामने रखते हुए, आपको मद्देनज़र रखते हुए है। तो वो जो आपके साथ गुजरी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ, वो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, चाहे वो आपके सामने इस बात को एडमिट करें या ना करें। और ये उनके लिए इवन पेनफुल बात है कि नाउ ही इज़ नॉट विथ मी, नाउ शी इज़ नॉट विथ मी, बट वो जो तकलीफ से गुजरने वाला मरहला था वो अब मैं महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। सो देर इज़ अ पेन, आपके मिस, आपको मिस करने में एक तकलीफ़ है, एक दर्द है। तो इफ़ यू फील गुड कि उनको तकलीफ़ हो रही है तो फिर आप खुश हो जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई वे आउट निकले तो प्राइवेट कंसल्ट कर लीजिए। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।